क्या दिवंगत कमला बेनीवाल को अंतिम संस्कार में राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था? जी हाँ, राजस्थान की पहली डिप्टी सीएम, स्वतंत्रता सेनानी और 3 राज्यों की राज्यपाल रही दिग्गज नेता कमला बेनीवाल का अंतिम संस्कार बिना किसी राजकीय सम्मान की व्यवस्था के किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने वर्तमान राज्य सरकार से सवाल पूछा है कि क्या दिल्ली के इशारे पर दिवंगत सेनानी का अपमान किया गया या ये मानवीय भूल हुई है। हालांकि आमतौर पर जिस राज्य में उक्त व्यक्ति का देहांत हुआ है वहां की वर्तमान सरकार की मंशा पर यह सारा सिस्टम निर्भर करता है कि पूर्व राज्यपाल को राजकीय सम्मान मिलेगा या नहीं। जैसे पहले कल्याण सिंह, अश्विनी कुमार सरीखे, कई राज्यपालों को सम्मान मिला है। लेकिन कमला बेनीवाल के मामले में राजस्थान में कुछ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वह स्वतंत्रता सेनानी भी रही थी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ताम्रपत्र भी दिया था, ऐसे में उन्हें राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था। इसके अलावा कांग्रेसी नेताओं की ओर से इशारा जिधर है वो ये है कि गुजरात के राज्यपाल रहने के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से रहे उनके खटास भरे रिश्तों के चलते राज्य सरकार ने राजकीय सम्मान में रुचि नहीं दिखाई। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि राजकीय सम्मान किन्हें मिलता है। वैसे सारे नियम कायदों की बात करें तो केवल वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान और पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान और पूर्व राज्य मंत्री को ये सम्मान दिया जाता है। लेकिन समय बीतने के साथ सरकारें इसमें बदलाव करती गई और कागजों में न सही प्रैक्टिकली नियम बदलते गए। अब लगभग हर राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि किसका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने के लिए संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री अपने वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगियों से सलाह मशवरा करता है, फिर इस पर निर्णय किया जाता है। वहीं फैसला लेने के बाद इसके बारे में पुलिस कमिश्नर, पुलिस आयुक्त जैसे आला अधिकारियों को सूचित किया जाता है, जिससे वे राजकीय अंतिम संस्कार के लिए सभी व्यवस्थाएं कर पाएं। इसके साथ ही कुछ और चीज़ें हैं जो अंतिम संस्कार जब राजकीय सम्मान दिया जाता है उस वक्त होती है, जिसमें राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि में पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा जाता है, मिलिट्री बैंड द्वारा शोक संगीत और बंदूकों की सलामी दी जाती है। स्वतंत्र भारत में राजकीय सम्मान के साथ पहला अंतिम संस्कार महात्मा गांधी का हुआ था। इसके अलावा मदर टेरेसा, सत्य साई बाबा, श्रीदेवी जैसे गैर राजनीतिक हस्तियों का भी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। हालांकि कमला बेनीवाल को राजकीय सम्मान क्यों नहीं दिया गया, ये इस बात का जवाब सरकारी महकमे में बैठे हुए किसी व्यक्ति से अपेक्षित है। लगातार इस प्रकार की रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान चौक।